Assalamu alaikum, Hiba Awais here again with my review with some kuch khas important products ka. Aaj basically main baat karungi thodi si zyada lamba session nahi hoga. I will discuss about the issues of hairs baalon ke liye jo basically hamara Pakistan ka mausam hai. Bahut hi anokha sa mausam hai, kabhi achanak dry ho jata hai, kabhi bahut thanda ho jata hai, kabhi bahut garmi ho jati hai, jiski wajah se hamari skin and hairs pe sabse zyada effect hota hai. To hamari hairs ke liye, proper hairs ke liye, agar proper aapko hairs ko healthy look dena hai, bouncy look dena hai, volumized look dena hai, kisi bhi tarah ka issue hai aapke hairs ko sort out karna hai, to uske liye sabse best cheez ye hoti hai ki aapko jo daily routine product डेली रूटीन में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है उससे ही आपके स्किन एंड हेयर्स पे वो रिजल्ट्स या वो इफ़ेक्टिवनेस नज़र आती है जो कि हमारे यूजली हमारे हेयर्स के ऊपर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग केमिकल बेस हार्मफुल केमिकल बेस एंड वी डू नॉट इवन नो कि बेसिकली उनमें क्या है क्या नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिफ्लेम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपने रिव्यूज़ ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स पर देती हूँ और वो भी आफ्टर using them. अच्छा मैं अभी बेसिकली लाइक 6 ईयर्स से ओरिफ्लेम के हेयर्स प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है. यस 3 ईयर्स का है. उसके लिए मैं एक शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और एक ऑयल है जिसका मैं अभी रिव्यू दूँगी वो यूज़ कर रही हूँ. उसके बाल माशाल्लाह अनबिलीवेबल हैं. माशाल्लाह जो भी देखता है वो लिटरली ये मुझसे पूछता है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो उसके हेयर्स पे. मेरे पर्सनल बाल मेरे बहुत अच्छे हैं, लंबे हैं, घुटनों से भी नीचे हैं, तो उसका सिर्फ रीज़न ये है. और मेरे बहुत सिल्की बाल हैं जिसकी वजह से सिल्की हेयर्स को कैरी करना बहुत मुश्किल काम होता है और उसको हेल्दी लुक देना या उसको लंबा करना बहुत मुश्किल काम होता है. एंड आई डिड इट एंड लिटरली इट जो मेरा पर्सनल है एक्सपीरियंस ओरिफ्लेम की हेयर प्रोडक्ट्स के साथ दे आर इट लिटरली अमेजिंग. बस आपको पता होना चाहिए कि आपने यूज़ क्या करना है अकॉर्डिंग टू योर हेयर्स अकॉर्डिंग टू योर एज एंड योर इश्यूज. अच्छा अभी मैं रिव्यू दे रही हूँ 3 प्रोडक्ट्स का. वन बाय वन मैं आपको उनके बारे में बताऊँगी. सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ये ओरिफ्लेम का हेयर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है. इट्स ओरिजिनल कोकोनट ऑयल जो कि 100 ml की बॉटल पर अगर हम वीक में 2 बार भी ऑयलिंग करते हैं और वैसे ऑयलिंग इतनी करनी अगर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए. इट शुड बी बैलेंस क्योंकि हमारे जो हेयर्स हैं उसमें एक लिमिटेड एक बैलेंस हमें रखना होता है ऑयल ड्राइनेस के बीच में. ज़्यादा ऑयल यूज़ करने से बहुत ग्रीसी हो जाते हैं बाल एंड ऑयल का कम इस्तेमाल से बाल बहुत रफ़ एंड डैमेज हो जाते हैं. तो हॉट ये वाला जो हेयर ऑयल है कोकोनट का, दिस इज़ लिटरली ओरिजिनल कोकोनट ऑयल. ये खाली कोकोनट का है और इसको यूज़ करने से मेरे पर्सनल रिव्यू है कि मेरे बाल बहुत 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 स्ट्रॉन्ग हो गए. क्योंकि सिल्की हेयर्स जो होते हैं वो सिर्फ खींचो तो भी टूट जाते हैं, लेकिन दिस ऑयल लिटरली मेड माई यानी मेरे जो हेयर्स हैं और मेरे बेटे के हेयर्स हैं दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए. अच्छा इस इसके बारे में बताते चलूँ कि ये 100 ml है और अभी फ़िलहाल तो डिस्काउंट पे ये अगर आप लोग लेना चाहें तो ये एक बॉटल अगर हम वीक में 2 बार भी इस्तेमाल करते हैं तो ये चलता है लाइक 5 to 6 months, बल्कि उससे ज़्यादा चलेगा क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है. मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसको निकाल के. और दूसरी चीज़ ये कि ऑयलिंग कितनी देर तक करनी चाहिए ये भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको. ऑयलिंग बेसिकली होनी चाहिए लाइक जस्ट फॉर 1 and 2 hours. अच्छा इसकी जो देख सकते हैं ये ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है और इसकी खुशबू बिल्कुल ओरिजिनल कोकोनट जैसी है. बहुत 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 अच्छा है ये ऑयल. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो लोग जानते हैं मेरे हेयर्स एंड मेरे बेटे के हेयर्स उनको पता होगा. मैं अपने बेटे की बेसिकली हेयर्स के रिव्यूज़ लगाती रहती हूँ, उसकी वीडियोज़ लगाती हूँ उसके बालों से रिलेटेड और मैं अभी भी पोस्ट करूँगी इसके बाद. तो आप देखिएगा कि उतना छोटा है और बहुत वीक भी था उससे मेरे बालों में बहुत ख़राब थे मेरे बेटे के बाल, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं. मैं ये ऑयल इस्तेमाल करती हूँ ओरिफ्लेम के शैम्पू के साथ उसके और एक बार बस अप्लाई करती हूँ. आप देख सकते हो ठीक है मैं इसको वाइप ऑफ कर रही हूँ. मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आती हूँ. अच्छा अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसी चीज़ है कि वीक में एक दफ़ा आपने या 2 दफ़ा लगाना होता है. वैसे मैं पर्सनली ऑयलिंग पसंद नहीं करती लेकिन मैं फिर भी लगा लेती हूँ और सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए लगाती हूँ. नाइट स्टे पूरी नाइट ओवरनाइट हमें ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे ज़्यादा डैमेज होते हैं हेयर्स. ये पुराने ज़माने की जो बातें थी वो बस वहीं रख दें क्योंकि आज के दौर में जितना ज़्यादा आप ऑयल लगा के सिर पे रखेंगे उतना ज़्यादा स्कैल्प पर डस्ट
बैठ जाती है, और वो आपके स्कैल्प पर डस्ट बैठने से वो आपके पोर्स यानी जो डैमेज हो जाते हैं हेयर्स की जो पोर्स होते हैं, तो उसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। और तुम्हें उस वक्त नहीं पता चलता, ये बाद में आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। तो ये बेसिकली हेयर ऑयल का बता दिया। अगर किसी को भी इसके बारे में डिटेल्स चाहिए वो मुझे इनबॉक्स करता है। अभी ये बहुत डिस्काउंट में है, तो ये आराम से आप लोग अभी डिस्काउंटेड रेट्स में ले सकते हैं, और आपको मेरे पेज पर ऑर्डर करने पर ये मज़ीद डिस्काउंट पड़ जाएगा। अच्छा, मैं आती हूँ ये स्मूथ स्लीक स्टाइलिंग हेयर क्रीम, जो कि जिसके मुझे बहुत 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 अच्छे फीडबैक्स मिले हैं। बेसिकली ये केराटिन ट्रीटमेंट का भी हिस्सा है, और ये एंटी फ्रिज इफेक्ट है, यानी जो फ्रिजी हेयर्स होते हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेट प्रोवाइड करके उसकी फ्रिजीनेस ख़त्म करता है। इसमें वैसे वेटलेस फार्मूला है, यानी ये लगा के पता नहीं चलता। और ये यूज़ कैसे करना होता है कि ये गीले गीले बालों में नहाने के फ़ौरन बाद मैं जैसे करती हूँ, मैं बेसिकली हिजाब पहनती हूँ, मैं अपने बाल किसी को दिखाती नहीं हूँ ज़्यादा, मेरे घर वालों को ही ज़्यादा पता होते हैं, मेरे फ्रेंड्स एंड फैम जो लेडीज़ हैं। लेकिन ये जो क्रीम है मैं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करती हूँ ताकि मेरे बाल में जो केराटिन नीड है ना वो पूरी हो जाए। और रियली मैं जब भी यूज़ करती हूँ, जब से यूज़ कर रही हूँ मुझे मे बी लाइक 2.5 महीना हुआ है, मुझे बहुत बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। मेरे बालों में सिल्की हेयर्स हैवी नहीं होते, सिल्की हेयर्स एक एक जो कहते हैं ना रिबॉन्डिंग कराने के बाद एक एक बाल अलग हो जाता है, इससे बेसिकली पूरा एक आप जब वेट हेयर्स में इसको अप्लाई करते हैं देन उसके बाद वो ड्राई हो जाते हैं, तो आप कॉम जब करेंगे तो लिटरली इतने सुलझे हुए होंगे और एक एक बाल आपका अलग होगा, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरी सबसे बेस्ट पार्ट इसका एक ये है, जो लोग स्ट्रेटनर करते हैं अपने हेयर्स, तो वो लोग इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद स्ट्रेटनर करेंगे तो आपके बालों में जो भी हार्मफुल स्ट्रेटनर से डैमेजेस होते हैं वो नहीं होंगे। दूसरा, इस क्रीम से और ज़्यादा शाइनी एंड इफेक्टिव लुक आता है स्ट्रेटनर यूज़ जो करते हैं। मैं बहुत बहुत सारे मेरे कस्टमर्स से जो मुझसे मंगवाते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है। और ये एक बॉटल जो है 150 ml है, और ये अच्छा खासा चल जाती है, मतलब हफ्ते में अगर आप 2 या 3 बार भी अपने हेयर्स पे अप्लाई करें। और वैसे जो मैं जैसे शुरू से कहती आई हूँ, नहाने का भी, बालों को वॉश करना भी हमें मैक्सिमम वीक में 2 या 3 टाइम होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें शैम्पू डेली बेसिस पे या ऑन एंड ऑफ डेज पे नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द कॉज जो हेयर फॉल की तरफ आपके हेयर्स को लेके जाता है, ठीक है। इसके लिए भी किसी ने मुझसे कंसल्ट करना है मुझसे पूछ सकते हैं, ये लास्ट टाइम इन दिस कैटलॉग, उसके बाद मे बी आफ्टर 2 या 3 मंथ्स तक मिलेगी। ईद के लिए अगर किसी को लेना है तो वो ज़रूर लें, ये भी ले सकते हैं। दिस विल ऑल्सो ये 1 या 2 बार यूज़ करने के बाद ही मुझे कस्टमर्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, फीडबैक्स दिए हैं उसके, और ये आप लोग ईद पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इट विल गिव अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग रिजल्ट। ये सारी वो चीज़ें जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अगर किसी को पूछना है हेयर से रिलेटेड वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा ये बस सेशन करूँगी। और बाकी ये मैं अब आ रही हूँ हॉट ऑयल ट्यूब के ऊपर। ये है फॉर ड्राई हेयर्स, और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके बाल हैं हेयर फॉल है। ये मैं आपको बता नहीं सकती, इसके हमारे पास कुछ टीम के जो लीडर्स ने जब लड़कों को जेंट्स को रिकमेंड करना स्टार्ट किया ये हॉट ऑयल, तो इसकी जो जिनके कहते हैं ना जिनके मर्दों के आगे से हेयर्स नहीं होते या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होती है, उससे गंजे लग रहे होते हैं वो, तो ये हॉट ऑयल एंड शैम्पू यूज़ करने से उनके 2.5 या 3 महीने के बाद रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने से, 6 ट्यूब्स यूज़ करने के बाद उनके बाल लिटरली वापस आए हैं। उसका मैं रिव्यू आपको इस पोस्ट के बाद लाइव सेशन के बाद पोस्ट करूँगी अपने पेज पे, कि उन्होंने खुद ये कन्फेस किया है कि मैंने शुरू में मैं परेशान था कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन ग्रेजुअली आफ्टर थ्री मंथ्स जब न्यू बाल रिटर्न हुए तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो ये बहुत बहुत अच्छा है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग है। ये वीट एंड कोकोनट यानी गंदम और कोकोनट ऑयल से बना हुआ है, और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं आप देख सकते हैं नोज़ली। ये एक दफ़ा में पूरी ट्यूब नहीं इस्तेमाल होती, ये बहुत गाढ़ा होता है। ये मेरे बहुत लंबे हेयर्स हैं, उसके बावजूद भी अगर मैं पूरे बालों में भी लगाऊं तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम ट्यूब्स मेरे यूज़ हो जाती है। तो जेंट्स के लिए तो ये हमें वैसे ये वीक में 2 बार इस्तेमाल करनी होती है, और वीक में वंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ मैं, आप देख सकते हैं छोटी सी ट्यूब है, मेरे पूरे हाथ पे आ रही है, और इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली देखें, मेरे पास एक ओपन थी, इस तरह लगा हुआ होता है, ठीक है, इस तरह ये सील्ड है। अब आप इसमें देख सकते हैं किस तरह सील्ड है, ठीक
है, ये सील्ड आप इसकी देख सकते हैं, सील हुई हुई है। अब इसी तरह इसको अब ब्रेक करना होता है पूरा, एंड देन जितना भी आपको नीड है आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देखिए अभी जेल फॉर्म में, और ये बहुत ऐसा है कि थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाता है, उड़ जाता है, मतलब ये बालों में ऑयल नहीं फील होने देता, स्टिकीनेस नहीं रहती। अभी खुश्क होगा तो आपको देखिएगा कि बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसको स्कैल्प पे, सिर्फ स्कैल्प पे मसाज करते हैं, पूरे हेयर्स पे भी लगा सकते हैं। और इस ट्यूब को बेसिकली, ये प्लास्टिक की ट्यूब है, इसको नीम गर्म बल्कि तेज़ गर्म पानी में इसको 15-10 मिनट्स डिप करके रखना होता है, उल्टा करके इस तरह करके हाफ पानी के अंदर, और उसके बाद इसको जैसे गरम गरम हो तो उसको इस तरह ट्यूब तोड़ के हमें पाम में लेके दोनों मसाज करके दोनों हाथों में स्कैल्प पे लगाना है, तो फिंगर टिप से आप लगा सकते हैं, और इससे ग्रीसी नहीं होते, और इसको लगाने के 1 घंटे के बाद आप वॉश कर सकते हैं। इसको लगाना नहीं, मतलब देर तक नहीं छोड़ना होता, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एंड देन जो रिमेनिंग रह जाए आप उसको इस तरह क्लोज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा, रिमेनिंग जो है वो बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। सजनी आप क्या किसके प्राइस पूछ रही हैं इस हॉट ऑयल के, ये अभी डिस्काउंट पे इट्स लाइक 180 रुपीज़, शायद 180 रुपीज़ का भी ये हुआ हुआ है, वैसे ये 300 या 290-240 रुपीज़ समथिंग का है, तो ये बहुत अच्छा है और रेगुलर यूज़ पे। एंड दूसरी बात ये है कि इसको ओरिफ्लेम के शैम्पू के साथ ही यूज़ करें, क्योंकि ओरिफ्लेम में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, बाकी जो हमारे अनऑर्गेनिक शैम्पूस हैं उसके मुताबिक ओरिफ्लेम में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, जिसकी वजह से बालों पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आई होप कि आपको ये पता, ये बात का श्योरिटी हो गई होगी कि बाकी ये जो मैंने आपको बताया ये मेरे पर्सनल रिव्यूज़ हैं। एंड मेरे यहाँ मैं चाहूँगी कि जो फ्रेंड्स मेरे जानते हैं कि मेरे हेयर्स अच्छे हैं वो यहाँ ज़रूर नीचे कमेंट करेंगे। और ये बेसिकली मेरा रूटीन जो पर्सनल है, मैं नहाने के बाद ऑन एंड ऑफ ये क्रीम में लगा लेती हूँ हेयर्स पे, देन आई यूज़ दिस कोकोनट ऑयल वंस अ वीक, एंड ये जो है ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक में अप्लाई कर लेती हूँ, जब भी वीक में मुझे, मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, रिमाइंडर लगाया हुआ है मोबाइल में, उस हिसाब से यूज़ करती हूँ। इसके साथ कौन सा शैम्पू सूट करेगा, मेलोबी बुशरा बेटा, इसके साथ जो शैम्पू सूट करेगा वो करेगा अकॉर्डिंग टू योर हेयर्स, आपके हेयर्स किस तरह के हैं। शैम्पूज़ की एक बहुत बड़ी रेंज है अकॉर्डिंग टू हेयर्स एंड एज, तो आप मुझसे पर्सनली रिकमेंडेशन ले सकते हो ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये यूज़ करके ज़रूर देखें। मैं आपको रिव्यू इस सेशन के बाद शेयर कर रही हूँ ग्रुप्स के अंदर, पेज के अंदर अपने, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बाकी किसी ने अगर कुछ पूछना है फॉर योर हेयर्स तो ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर आपके बाल अच्छे नहीं होंगे आप कभी भी खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और इस वीडियो का मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट में, अगर कोई भी इशू है आपका, हेयर इशू है, वो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह विल मीट यू गाइस विद सम अदर प्रोडक्ट्स, मैं कुछ न्यू प्रोडक्ट्स के साथ आपके साथ जो मैं भी डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ उसका रिव्यू देने आऊँगी ज़रूर। एंड ज़रूर मैं कहूँगी कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके देखें, दे आर लिटरली अमेजिंग। सबसे बेस्ट पार्ट ये, दीज आर हलाल प्रोडक्ट्स, एंड थैंक यू बुशरा। बाकी मैं ये चाहूँगी कि जो लेडीज़ हाउसवाइफ हैं वो घर बैठे जो प्रोडक्ट्स को डिस्काउंटेड रेट में लेना चाहते हैं वो ओरिफ्लेम ज्वाइन करके ले सकते हैं। दूसरा ये कि साथ साथ अगर कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, जिस तरह मैं पेज पे अपनी वर्किंग कर रही हूँ, अगर वो मुझसे इस तरह सीख के ऑनलाइन वर्किंग करना चाहता है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 0331258-7958। और आप लोग मेरा यूट्यूब का पेज भी सब्सक्राइब करें, हिबा अवैस सीनियर मैनेजर ओरिफ्लेम पाकिस्तान। और इंशाल्लाह विल मीट यू गाइस विद सम अदर प्रोडक्ट्स, टिल देन अल्लाह हाफिज़।